हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सलमान और आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ। आज मैंने 3:16 पे चेक करा था कि मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आया, तो मैं काफ़ी घबरा गया था जब मैंने कॉपीराइट स्ट्राइक देखा, तो क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता थी। और इसके बारे में मैंने काफ़ी सारे रिसर्च करे कि अगर आपके चैनल पर भी कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है तो आपको क्या करना है। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। सबसे पहले आपको जो है अपने YouTube स्टूडियो के अंदर जाके पैनल में देखना है कि वो कॉपीराइट स्ट्राइक आपको किस वजह से आया है, कि आपने ऐसी कौन सी गलती करी जिसकी वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक आया। तो सबसे पहले मैंने जाकर देखा उसके अंदर, जो उसके अंदर मैंने चेक करा, मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाई थी। तो शॉर्ट्स वीडियो जब मैंने बनाई थी तो उसके अंदर वो वीडियो मैंने किसी और की यूज़ करी थी। अब जब मैंने किसी और की यूज़ करी थी तो उसके अंदर मैंने स्पीड भी स्लो कर दी थी और उसका बस डायमेंशन चेंज नहीं करा था। उसके अंदर वॉइस भी अपनी दी थी और उसके साउंड भी म्यूट कर दिए थे। तो मैं क्या देखता हूँ, उसके अंदर उनका मैसेज आता है जिनकी वो वीडियो थी, उन्होंने डायरेक्ट मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी। और जैसे ही मैंने चेक करा उसके अंदर जाकर, मैं आपको स्क्रीनशॉट पे दिखा रहा हूँ, जो इसके अंदर एक ऑप्शन आता है कि आप जो उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप कॉपीराइट स्ट्राइक हटा लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ आपको घबराने की ज़रूरत क्यों नहीं है। तो आपको घबराने की ज़रूरत क्यों नहीं है, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने वो वीडियो डाली कब थी। वीडियो को मैंने डाले थे 2-3 दिन और उस पर 1000 व्यूज़ भी आ चुके थे, लेकिन उसके बाद जाकर मेरे पे कॉपीराइट स्ट्राइक आया। तो फिर जब मैंने उसके अंदर चेक करा तो उस वो कोई फॉरेनर था, उसका मेल का ऑप्शन दे रखा था, मेल आईडी दे रखी थी, उसके अंदर दे रखा था कि आप इनसे जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अपना कॉपीराइट जो है हटा लीजिए, क्योंकि मैंने वीडियो जो है उस टाइम पे डिलीट कर चुका था। वीडियो डिलीट करने के बाद तो वीडियो मुझे शो नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके अंदर कॉपीराइट स्ट्राइक हटवाने के लिए लिंक भी दे रखा होता है कि आप अपनी वीडियो का लिंक डालें। अब जैसे ही मैं गया तो उसके अंदर आपको घबराने की ज़रूरत क्यों नहीं है, तो आप को घबराने की ज़रूरत इसलिए भी बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो जो कॉपीराइट स्ट्राइक होता है वो 3 महीने के बाद आपका हट जाता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे आपका कॉपीराइट स्ट्राइक आया, आप YouTube स्टूडियो में गए और आपने जाने के बाद उसमें देखा, आपको सबसे पहले अपनी वीडियो का स्क्रीनशॉट लेने लाएं जिसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आया था, और दूसरी चीज़ उस वीडियो का आप डिलीट कर देंगे और आप उसे ऐसी पड़े रहने देना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें जो 3 महीने का टाइम होता है फर्स्ट कॉपीराइट स्ट्राइक का, अगर उस 3 महीने के बीच में अगर आपको 2 और कॉपीराइट स्ट्राइक आती हैं तो आपका चैनल जो है पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा और कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, सारी मेहनत आपकी बेकार जाएगी। तो इसलिए कोई भी आप वीडियो डालें तो अपनी ही वीडियो डालें, उसके अंदर किसी और की वीडियो डालते हैं तो एक बार यूट्यूब पॉलिसी देख लें, उसके अंदर आपको किस तरीके से वीडियो डालनी है, किस तरीके से आपको काम करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब ये जो है मुझे 3 महीने का वेट करना पड़ेगा, ये जून में जाकर मेरा कॉपीराइट स्ट्राइक अपना आप हट जाएगा। बाकी मैंने रिक्वेस्ट तो डाली थी उन्हें, अब अगर वो हटा लेते हैं तो ठीक है, नहीं हटाते तो कोई बात नहीं, वो देखी जाएगी। हम मेहनत करते रहेंगे, आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। जब तक के लिए मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।